वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको वीडियो पसंद आएगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको नेचुरल रूट्स निकालने हैं गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, और फिर उन्हें फाइंड भी करना है। हम क्वेश्चन का पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट टू इज गिवन बाय 3x² - 4 विद इन द रूट 3x + 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो कि ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0 है, तो हियर वी आर हैविंग द वैल्यू a, b इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b इज -4√3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 4, सो दैट्स हाउ वी कैन हैव द वैल्यूज। नाउ अगर हमें पता लगाना है कि वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसकी फॉर्मूला हमें कुछ प्रकार से गिवन है, b² - 4ac। वैल्यू ऑफ b भी है हमारे पास 3ac/2 - 4 इस वैल्यू ऑफ b इज -4√3 द स्क्वायर ऑफ दैट एंड -4 वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 4। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -√2 इज प्लस एंड दैट इज 4 × 4 = 3, सो दैट इज -4 × 3 = 4 दैट इज कम्स आउट टू बी 48 - 48 दैट इज कम्स आउट टू बी 0। इट मींस वैल्यू ऑफ डी इज 0। अगर वैल्यू ऑफ डी 0 होता है तो इट मींस रूट्स पॉसिबल हैं। तो द इक्वेशन और वी कैन से गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल और वी कैन से रियल इक्वल रूट्स, बिकॉज जो d की वैल्यू है वो 0 है। तो वेरिएबल की वैल्यू है, जो हमारे पास वेरिएबल वो x है और फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का -b + - विद इन द रूट d डिवाइड द कंप्लीट टर्म बाय 2 × a। नाउ द वैल्यू ऑफ d हियर इज 0, वी कैन राइट -b + 0 here, this will be 2a. So we can write -b/2a. Now we can put the value of b here. The value of b is -4√3. Divide the complete term by 2 × a. The value of a is 3. This comes out to be minus is there and this is also minus. We can write like this, right? This will be plus and now this will cancel out and we'll have 2√3/3. We can write like this. So this will become 2. We can write this √3 × √3 and √3. Right? So this and this cancel out. We are landed with the term 2y/√3. So that is the answer. But there is a repetitive root, so we can say the x1 first root, x2 second root will be 2 by